लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले हुए रेप और हत्याकांड के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वहां दलित समुदाय की 2 नाबालिग लड़कियों के गैंगरेप के बाद उन्हें पेड़ से लटका दिया गया था, जिसके बाद पुलिस दरिंदों की तलाश में जुट गई थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान जंगल में छुपे जुनैद नाम के एक बदमाश के साथ पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हुई, जिसे पुलिस ने घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था, तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है। परिवार का आरोप है कि पहले बदमाशों ने दोनों नाबालिग बहनों को जंगल में ले जाकर उनका गैंगरेप किया, इसके बाद उन्हें मारकर उन्हीं के दुपट्टे से पेड़ पर लटका दिया, ताकि लोगों को लगे कि दोनों लड़कियों ने खुदकुशी की। फिर रास्ते से उन लड़कियों को अपहरण करके इस स्थल पर लाते हैं और यहीं पर 5 लोग मिलकर उनके साथ गैंगरेप करते हैं। जबकि चश्मदीदों का दावा था कि फंदे से झूलती दोनों लड़कियों के पैर। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उस वक्त जमीन पर थे, जिसके बाद उनके घर वालों ने वहाँ जबरदस्त हंगामा किया। उनका इल्जाम था कि पुलिस आनन फानन में इस मामले को निपटाना चाहती है, जिसके खिलाफ वो पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए। वही मामले के तूल पकड़ते ही सरकार भी हरकत में आई और सबसे पहले शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें गैंगरेप और हत्या दोनों की बात पर मोहर लग गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों लड़कियों का शव घर वालों को सौंप दिया गया। FIR दी गई तो एक नामजद दिया गया, 3 अज्ञात दिए गए, लेकिन जब गिरफ्तार होते तो वहाँ पे 6 लोग होते हैं, हो सकता है और भी लोग हों। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लड़कियों का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया, साथ ही पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील भी की। इस घटना की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज ना करे और शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस को शक है कि दोनों लड़कियों की हत्या गला दबाकर की गई और आरोपियों ने जानबूझकर मामले को भटकाने के लिए उन्हें फंदे से पेड़ पर टांग दिया था।